नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुई एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए क्लिक, ताकि हम इसी तरीके से जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जानकारी देख लीजिए। जानकारी है आप सभी कैंडिडेट के लिए, बहुत अच्छी खबर है। खबर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं एमपी ऑनलाइन पर। एमपी ऑनलाइन पर चलने के बाद दोस्तों, हम आपके लिए यहाँ पर बताएंगे सारी जानकारी। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, मध्य प्रदेश शासन का पोर्टल है दोस्तों, ये देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ही एमपी ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे, तो आपके लिए मिलेगी एक और गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर देख लीजिए आप, छिंदवाड़ा कार्यालय कलेक्टर और कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था उनका देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर ही देख लीजिए, छिंदवाड़ा कैंडिडेट में जो भरे गए थे, छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय में जो फॉर्म भरे गए थे, उनका आप 27/11/2019 को सुबह 11:30 से कमरा नंबर 24 कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला छिंदवाड़ा में उपस्थित होने के लिए दोस्तों यहां पर जानकारी है। और साथ ही 21 नवंबर 2019 को 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला रायसेन में आपको पहुंचना है, जिन कैंडिडेट का है यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर सभी लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर दें यहाँ पर छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा की मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। तो उस अनुसार आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर छिंदवाड़ा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर यह जानकारी अपडेटेड है। तो इन सभी पीडीएफ को हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर खोल लेते हैं सभी कैंडिडेटों की। ये पीडीएफ है, आप देख लीजिए, यहाँ पर ऑनलाइन है आप सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आपको पता है हम जो भी जानकारी बताते हैं एकदम जेन्युइन जानकारी और सही जानकारी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले खोलते हैं हम ये लिस्ट। इस लिस्ट में देख लीजिए सूचना दी गई है, यहाँ पर श्याम बाबू सिंह, मिस्टर दशरथ सिंह विलेज है, दोता पोस्ट बेदावन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर सिंगरौली इन कैंडिडेट का हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, इन सभी कैंडिडेट के लिए अलग से स्वतः ही अलग अलग कैंडिडेट के लिए ये जानकारी अपडेटेड है। तो यहाँ पर आप अपना नाम देख सकते हैं, 16 पेजेस में यहाँ पर 16 कैंडिडेट के दिए गए हैं नाम, क्योंकि एक के लिए एक दिया गया है। तो यहाँ पर ये प्रिंट आप निकलवा सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले चलिए दोस्तों, यहाँ पर मेरिट लिस्ट में बात करते हैं, तो मेरिट लिस्ट में सबसे पहले कैंडिडेट देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं हम जूम। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एमपी ऑनलाइन से प्राप्त सूची अनुसार अनारक्षित ओपन वर्ग की दस्तावेज सत्यापन हेतु मेरिट सूची ये है जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट में देख लीजिए ये नंबर दिया गया है, साथ ही कैंडिडेट का दिया गया है यहाँ पर मेल फीमेल के लिए, तो मेल मेल कैंडिडेट है यहाँ पर। फिजिकल हैंडीकैप की जानकारी दी है, जैसे कि यहाँ पर पीएच कैटेगरी में एक कैंडिडेट है मिस्टर पंकज यादव करके जी, ये पंकज जी का देख लीजिए। यहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस दिया गया है 44 महीने में, इनका 83 है, 42 महीने, 37 महीने, 38 महीने ये दिए गए हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। तो इन कैंडिडेट को उपस्थित होना है यहाँ पर देख लीजिए, जो मेरिट लिस्ट दी गई है उस अनुसार इनको 27 तारीख को उपस्थित होना है जनरल कैंडिडेट में। एक जनरल कैंडिडेट की लिस्ट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट में फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की, विकलांग कैंडिडेट में देख लीजिए ये दिए गए हैं यहाँ पर, मिस्टर पंकज यादव सबसे टॉप पर हैं, क्योंकि इनके पास है 83 महीने का एक्सपीरियंस। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 5 कैंडिडेटों के और नाम दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 कैंडिडेट का आप अपना भी नाम यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ड के बाद एसटी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति की देख लीजिए यहाँ पर लिस्ट। इसमें देख लीजिए कैंडिडेट हैं यहाँ पर 5 कैंडिडेटों में यहाँ पर पूरा दिया गया है, नाम दिए गए हैं, प्रिया है, प्रिया जी हैं यहाँ पर हैं, ये देख लीजिए, ये संजय जी हैं यहाँ पर, सोनू हैं और यहाँ पर हैं भूपेंद्र। दोस्तों यहाँ पर 5 कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी में। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एसटी कैटेगरी महिला में देख लीजिए आप सभी कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं, 2 फीमेल कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं एसटी कैटेगरी में, जैसे प्रिया का, प्रिया जी का नाम यहाँ भी शामिल है, और यहाँ पर प्रियंका पटेल जी का भी नाम यहाँ पर
शामिल है। तो ये छिंदवाड़ा की लिस्ट हुई, साथ में चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम इसके बाद रायसेन की। आप सभी कैंडिडेटों से निवेदन है कि आप यहाँ पर आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं। छिंदवाड़ा के बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं रायसेन की। तो रायसेन की ओवरऑल एक ही लिस्ट बनाकर दी गई है, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ही होती है डाउनलोड हम आपके लिए बताते हैं। 30 पेजेस की ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 पेजेस की है, और रजिस्ट्रेड डाक द्वारा यहाँ पर प्रेषित हो सकते हैं आपको ये बुलावा पत्र। देख लीजिए, मिस्टर दीपक श्री महेश बाबूलाल नगर पाला इंदौर से ही कैंडिडेट हैं, इनका नाम देख लीजिए। ये है मिस्टर दीपक, ये देख लीजिए, ये दिया गया सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। 21 तारीख को 11 बजे इनको पहुँचना है भवन रोड रायसेन में। रायसेन में दोस्तों दूसरा नाम है उपेंद्र पटेल जी का। इसके बाद देख लीजिए तीसरे पेज पर ये कैंडिडेट है मिस्टर नारायण सिंह अहरवार, इनका भी नाम यहाँ पर दिया गया है। साथ ही दोस्तों पंकज यादव जी का नाम दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप पूरी देख सकते हैं, आप अपनी जानकारी देख सकते हैं, और इसमें पूरी जानकारी में सबसे पहले चौथे नंबर पांचवें नंबर पर देख लीजिए राहुल सेन जी का नाम है यहाँ पर, देख लीजिए बसंत महंतो जी का नाम है यहाँ पर, देख लीजिए अरुण गर्ग का नाम है, राजेंद्र पांडे जी का नाम है यहाँ पर, देख लीजिए अंकित जैरथ का नाम है यहाँ पर, देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं रविंद्र सोनी जी का नाम है यहाँ पर। दोस्तों आप भी ये देख सकते हैं, आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी कैंडिडेट की जानकारी आप यहाँ पर अपडेटेड है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए महेंद्र बैरागी जी का नाम भी यहाँ पर नाम दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए श्रीपाल जी का नाम दिया गया है, साथ ही देख लीजिए चेतना रघुवंशी जी का नाम दिया गया है यहाँ पर, साथ ही सुनील अहरवार जी का नाम दिया गया है, साथ ही नाम दिया गया खुशबू पासी जी का नाम दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए दिलीप सिंह जी का नाम दिया गया है, साथ ही सूरज बंकर जी का नाम दिया गया है, और नाम दिया गया है विशाल रंगीले जी का नाम दिया गया है यहाँ पर, प्रभता आवले जी का नाम दिया गया है, साथ ही देखिए संजय माझी जी का नाम दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए छोटू सिंह चौहान जी का है। ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं जिनका नाम यहाँ पर अपडेटेड है दिया गया है। और साथ ही कैंडिडेटों की देख लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं, मिस्टर संजय कुमार नागेश्वर जी का है, नितिशा सोनी जी का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, असलम अब्बासी जी का नाम भी दिया गया, अविनाश कुशवाहा जी का नाम दिया है, और लास्ट में है रूपेश चौकसे जी। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम पूरी जानकारी यहाँ पर पढ़ के देख लेते हैं, आपको लेके क्या क्या जाना है। साथ ही देख लीजिए ये है 8 नवंबर 2019 का अपडेटेड है, लेकिन अभी अपडेट हुआ है आज की डेट में ही एमपी ऑनलाइन पर। देख लीजिए कार्यालय सहायक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने के संबंध में, तो यहाँ पर हम पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। सभी कैंडिडेट के लिए एक सी जानकारी दी गई है, ये तद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत स्वीकृत कार्यालय सहायक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों की पूर्ति हेतु मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। दोस्तों यहाँ पर कृपया आप अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र सहित 21 नवंबर 2019 को समय सुबह 11 बजे कलेक्टेड कार्यालय कंपोजिट भवन सांची रोड रायसेन में उपस्थित हों, तथा समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के 2 सेट ले आवे। दोस्तों आपके लिए यहां पर 2 सेट बनाकर लेके जाना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाए थे सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लेके जाना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप अपने नाम का प्रिंट और ये कॉल लेटर टाइप का जो भी है उसको आप टाइप करा कर लेके जाइए, तभी आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन कराने में हो जाएगी बहुत ही सहूलियत। तो चलिए दोस्तों ये है जानकारी, जानकारी और देख लेते हैं यहाँ पर। ये तो हुई रायसेन की, छिंदवाड़ा में भी देख लेते हैं दोस्तों, छिंदवाड़ा में किस तरीके से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें अभी छिंदवाड़ा में भी आपके लिए मेरिट के अनुसार सभी कैंडिडेटों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट मिल जाएगी, साथ ही दोस्तों यहाँ मिल जाएगी ओवरऑल सभी कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर अपडेटेड है, तो आप ये भी लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर होशंगाबाद की भी बहुत पहले की जो लिस्ट है वो भी आप लिस्ट देख सकते हैं, सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट जो आई थी, मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था उसमें भी आप सभी कैंडिडेट के लिए जानकारी बताई थी। तो एक बार फिर से ध्यान रखें दोस्तों, कलेक्टर कार्यालय में जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनको जाना है 27/11/2019 को, और जिन कैंडिडेट ने किया था रायसेन के लिए तो उनको जाना है
21 नवंबर 2019 को सुबह 11 बजे। यहाँ पर बाकी जानकारी में रूल बुक दी गई है जो कि आप पहले से डाउनलोड कर चुके हैं या देख चुके हैं। तो दोस्तों ये आवश्यक सूचना थी जो कि थी MP ऑनलाइन के माध्यम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।